अच्छा खासा है, धीरे धीरे निकलना पड़ेगा हम लोग को। पानी कितना जबरदस्त बहा है और कितना अभी मन आए हुए। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं इस वक्त जगमई माता मंदिर और पांडुका से हम लोग मुड़े हैं और आप यहां पर देख सकते हो कितना ज़बरदस्त पानी बह रहा है नाले में और हम लोग को धीरे धीरे पार करना पड़ेगा क्योंकि बहाव बहुत तेज है। और ये हम लोग का दूसरा वाटर क्रॉसिंग है, एक तो पहले हम लोग वहाँ पर वाटर पार किए थे और बहाव अच्छा खासा है, धीरे धीरे निकलना पड़ेगा हम लोग को। गजब, अरे गाय माता हट जाइए। और फाइनली हम लोग धीरे धीरे पार कर लिए हमारे माता जी। और देखो गांव वाले के देखो कितने लोग यहाँ खड़े हैं नज़ारा देखने के लिए कि पानी बह के आ रहा है करके। और फाइनली हम लोग पार कर चुके हैं पुल, चलिए बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा डर तो लग रहा था कि जो बहाव था, और मैं ऐसे बहुत कम पार करता हूँ लेकिन अब क्या करें, रास्ता यही है, नहीं तो हम लोग को बहुत 30 किलोमीटर घूमना पड़ जाता। तो चलिए बढ़ते हैं, आपको दर्शन कराते हैं जगमई माता के। बरसात में बहुत ज़बरदस्त नज़ारा रही थे यहाँ के जगमई माता मंदिर के। और ये अब्बड़ जन सब देखैया जावा थे भगवान के दर्शन करे बस, और जो वहाँ वाटरफॉल है जलप्रपात देखकर मज़ा ले बस। अच्छा खासा भीड़ है आज जगमई माता मंदिर में। और ये है वही व्यू पॉइंट यहाँ पर अक्सर सब रुक के सेल्फी लेते हैं। ये देखो ऐसा दिखा तो ये आप मतलब व्यू पॉइंट। हो देखो भयंकर भीड़ है आज मंदिर में, सब छुट्टी में पिकनिक मनाए पर आए हैं, झरना का मजा ले बस, चारों तरफ अपना गाड़ी दिखत हुई, कचा के भीड़ है आज रे। अरे बाप रे, और बाइक हम यहीं पार कर रहे थे कार के आगे, तो बहुत भीड़ मिली है मतलब। कहीं भी खड़ा कर देते हैं ना, इधर हम खड़े देते हैं। जय जोहार संगवारी हो, स्वागत है आपके मोर चैनल संतो दुर्गा ब्लॉग में। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जगमई माता मंदिर। अब ये देखो मेरे पीछे कितना अकन गाड़ी आए हुए है माता के दर्शन करे पर। और अभी बहुत सुंदर यहाँ झरना बहात है माता के दरबार में, तो चलो आप मतलब अंदर ले चलता हूँ और जगमई माता के दर्शन कराता हूँ। तो बने रहे मेरे चैनल पे, और जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करे वो जल्दी से जाकर मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही साथ बैल आइकन भी दबा दे जेकर से मेरा आने वाले वीडियो की अपडेट आप मतलब मिल जाएगी। आप मोला इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, ओकर आईडी आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो संगवारी हम चलथन अंदर और जगमई माता के दर्शन करथन, और साथ ही साथ वहाँ जो एकदम सुंदर झरना बहात है वहुल देखता। तो संगवारी हो भीड़ ला देखो, ये डान सब बोडान पूरा कार बाइक कचकचा के आए हुए हैं। और यहाँ पर बहुत सारे दुकान लगे हुए हैं जहाँ पर आप मतलब खाई पिए के पर्याप्त मात्रा में सामान मिल जाएगी, नाश्ता मिल जाएगी, और माता पर आप प्रसाद नारियल भी ले सकते हो। तो चलो हमन चलथन अंदर माता के दरबार में, और जय माँ जगमई धाम पहुँच चुके हैं हमन। और ये है द्वार जगमई माता अंदर जाए के, और आप देख सकते हो कितना सुंदर बनाए गए हैं।
शेर के मुंह है और ऊपर माता के पूरा 9 रूप ला दर्शाए गए है दरवाजा में। तो चलो हम चल सन अंदर और अपना दर्शन करा थन। और आज बहुत भीड़ है रहन। और ये दे हमारे टाइटू वाले भैया मन आ गए है। हर मेला मड़ई में मर रही थे, छोड़े नहीं कोई मेला मड़ई ला। टैटू भैया मन भारी छा रही थे टैटू वाले मन। हर मेला मड़ई में मन दिख गई तुम्हारा। ला और यहीं पर हम आगे जाबो तो एक व्यू पॉइंट मिलते ही कर हमला। हमला व्यू पॉइंट भी मिली ही कर, वहाँ से भी आप मतलब झरना का नज़ारा दिख रहा हूँ। बहुत शानदार लगते वो व्यू पॉइंट से झरना का नज़ारा है। ये देखो सब नज़ारा का मजा ले थे। तो चलो तहु मला दिखलाता हूँ मैं यहाँ से नज़ारा। और ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है। तो चलो संगवारी हो मंदिर के नज़दीक चलथन और झरना ला पमला नज़दीक से भी दिखला देथन। चला संगवारी हो आगे बढ़ता ना मना। आवाज तो भीड़ एकदम गदगद आ गए भाई। और हमन पहली एकर जूता चप्पल रखे लगी ओकर बाद हमन आगे चलथन। तो जगह देख के कहूँ कर अच्छा से अपन जूता चप्पल खोल लेथन। चलो ही कर अपन जूता चप्पल खोल ले। हाथ दे हमारे पैर से डरा गए दिन भर पानी पानी में। पूरा सीढ़ी में पानी बहुत है एकदम। और पहली ना ये डालने जाएंगे रास्ता ही से, लेकिन अभी क्या पानी ज़्यादा है क्योंकि रास्ता बंद कर देंगे। ये देखो गेट में तार लगे यहाँ। पहली बहुत मन जाए मतलब जब पानी कम रहते तब एड आन ले जाते हैं, लेकिन अभी तो बहुत पानी। और एड आन देखो आप। चलो ये नज़ारा लगाना आप मतलब ऊपर से दिखला कर। और सीढ़ी में देखो कितना मस्त पानी को वहाँ से पहले धो लेते हैं तब आगे चलते हैं। चलो यहाँ पर है पहली हमन शंकर भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। हर हर महादेव। चलो संगवारी हो तुम मला यहाँ से नज़ारा दिखलाता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। ये देखो अभी नज़ारा देखो आपने कितना ज़्यादा मात्रा में पानी बहात है। उसके बाद हमन ओती पुलिया डान भी जाबो। वो डान हनुमान जी के भी विशाल मूर्ति है। बहुत मैं दिखलाओ तुम्हारा। और आप मन भी आओ जतमई माता के धाम में दर्शन करे बार। वहाँ देखो पूरा नीचे कुंड पूरा भर गए। वहाँ भी एक शिवलिंग है और शेषनाग की मूर्ति है पूरा भर गए डूब गए हुआ। और आप मन नज़ारा देखो बहुत ही ज़बरदस्त पानी को वहाँ तो नजारी हो।
तो चलो संगवारी हो, ये देखो इस तरफ के नज़ारा, हम आ चुके हैं इन पुलिया में और यहाँ देखो पानी कितना ज़बरदस्त बहाव है और कितना आदमी मन आए हुए। चलो आगे चलते हैं और वो देखो विशाल हनुमान जी की मूर्ति। और ये ढान तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, पूरा पब्लिक झरना में उतर गए, कहाँ जन कोई फिसल की गिरी ना तब समझ में आई काय कर बहु मला जाए लगी भाई। अभी नहीं जाना मन, अंदर चल सर माता के दर्शन करे बस। और ओढ़ान तो बहुत मन नहावा पूरा एकदम, यहाँ से वैसा भी फुल मजा दे। तो चलो सगवारी हो चलते हैं अब मेन मंदिर में और जसमाई माता के दर्शन करते हैं। और ये आ चुके हैं हम जसमाई माता के मंदिर में और यहाँ पर जसमाई माता के अलावा और अन्य मंदिर है। ये मंदिर बहुत सुंदर तरीके से सजाए गए हैं, पेंट करे गए हैं, अपन देख सकते हो यहाँ पर है गद्दी वाली बड़ी माँ। तो चलो उपरों दर्शन कराता ना आप मना गद्दी वाली बड़ी माँ के। गद्दी वाली बड़ी माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करे। नज़ारा देखो आप मन, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है यहू डाल आए हमन पहली वो डहाँ रहे वो मंदिर में, अब हमन आगे ने डहाँ। और डहाँ देखो पब्लिक पूरा नहावत भी है और हनुमान जी के भी दर्शन करेंगी गए है। चलो हमन आगे बढ़ता ना दर्शन कराता आप मना। यहाँ पर है नरसिंहनाथ, नरसिंह देव जाके मूर्ति हमारे। चलो दोस्तों अब हम दर्शन माता के दर्शन करें पर माता के। और यहाँ पर है वन देवी पहाड़े वाली माँ। और आप ये डाले नज़ारा देखो बहुत ज़बरदस्त, पहली पानी कम रही थी ही करना नहान पहली, ये पानी बहाव बहुत ज़्यादा है।
दर्शन करना वहाँ के, यहाँ के जो झरना के पानी है माता के पांव छुए पर आके यहाँ जय माँ जगन्नाथ। देखो ये पूरा पानी झरना के पानी यहीं आते और माता के चरण स्पर्श करते, और एक तरफ देख सकते हो पूरा पानी झरना को हाथ पूरा नीचे, और यहाँ धार देखो दोस्तों कितना मोटा धार है, अगर धोखा भी कोई गिर के ना तो सीधा नीचे बहा दी, लेकिन यहाँ जाली लगे हुए तो बच गई हुआ।